कांग्रेस का भी था और किसाना का भी था। जब कांग्रेसिया ने भी आकल थी भाई हाथ का निशान कर लो ये कर लो मना कर दिया था। 72 घंटे के लिए टोल फ्री करा दिए या तो नौकरी है या और कोई मैसेज हम यही देना चाहते हैं, सरकार अब हमारे को और परेशान ना करे और हमारी किसानों की मांग मान ली जाए। किसानों को भी बहुत नुकसान होने लग रहा है, किसानों का काम का टाइम है, किसानों को कोई जिद नहीं, किसान अपना भाव चाहता है, किसान को कोई सरकार से जिद नहीं, ना यहाँ किसी पार्टी का के आदमी है, ना सब किसान भाई हैं और ना इनको कोई जिद है, इनको अपना भाव चाहिए, इनको एक MSP की लाइन मिल जाए लिखित में और तीनों कानूनों में अगर निरस्त नहीं करे तो संशोधन सरकार जरूर करे और जल्दी से जल्दी करे। भाइयों को बहुत नुकसान होने लग रहा है, मेरा सरकार को यही सुझाव है, सरकार ने मान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान कर देना चाहिए। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम लोग संशोधन को तैयार हैं, लेकिन किसान है कि तीनों कानूनों को निरस्त करने ही पड़ रहे हैं। नहीं, सरकार ने अब तक एक खाली MSP वाली लाइन की भी लिखित गारंटी नहीं दी है। अगर वो लिखित गारंटी दे दो हमारे को नहीं बातचीत करने से कोई मतलब, सरकार हमारे को लिखित में गारंटी दे दो और फिर बातचीत करके जो भी संशोधन है जो भी लाइन है किसानों की समस्या को दूर कर दो। हमारे को यहाँ बैठने का बिल्कुल कोई भी शौक नहीं है, हम मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, अपने सभी काम छोड़ गए, सभी किसान भाई बैठे हैं अपने काम छोड़ गए, यहाँ पे बैठे हैं। सरकार का ना करो बेहतर घंटे तक फ्री रहेंगे और जितने भी जल्दी हो हम बिल्कुल जायज मांग है और बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना मांग रहे हैं, धरना कर रहे हैं, किसानों की मांग मान लेनी चाहिए।